यदि आपके शरीर में खून की कमी है, आपका हीमोग्लोबिन लेवल 8 या 9% हमेशा ही रहता है, इससे ज़्यादा आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता ही नहीं है। आपने बहुत सी दवाइयाँ ट्राई कर ली लेकिन आपका हीमोग्लोबिन लेवल नहीं बढ़ता, आप एनीमिक हैं जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, चक्कर आते हैं, आप थोड़ा सा भी काम करते हैं तो आपको सांस फूलने लगती है, रोज़मर्रा के काम भी आप सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हम एक ऐसी होम्योपैथिक सिरप के बारे में बात करेंगे जिसको अगर आप लेते हैं तो आपके हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाता है ये दवा, इसके अलावा आपकी कमजोरी, थकान, अनिद्रा को दूर करने में मदद करता है। इसलिए मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बताए जाते हैं जिसको अगर आप सिर्फ देख लेते हैं तो आप अपने आप को हेल्दी और फिट रख सकते हैं, आपको डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए जानते हैं कि यदि आपके शरीर में खून की कमी है, आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी, अनिद्रा की प्रॉब्लम है, तो आपको कौन सी होम्योपैथिक दवा लेनी चाहिए। उस सिरप का नाम है फेरमसिप सिरप, इसके पिक्चर्स आप स्क्रीन में देखिए। इस सिरप को लेने से आपकी जो कमजोरी है, थकान है, हीमोग्लोबिन की कमी है, एनीमिया की कमी है, ये दूर हो जाती है। देखिए, इस दवा की सबसे अच्छी बात ये है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप इसे अगर रेगुलर भी लेते हैं तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा ये आपके RBCs को बढ़ाने में मदद करती है। देखिए, अगर हमारे RBCs प्रॉपर बनते हैं, उसका प्रोडक्शन प्रॉपर होता है, तो हमें हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी, क्योंकि जो ये RBCs मीन्स लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, यही हमारे ब्लड के मीन्स खून के निर्माण में मदद करती हैं। अगर आपका RBCs कम होंगे तो आपका हीमोग्लोबिन की कमी आपको ऑटोमेटिक होगी। इसलिए अगर आप हमारी ये फेरमसिप सिरप लेते हैं तो ये RBCs के निर्माण में मदद करती है, साथ साथ आपकी जो कमजोरी है, थकान है, उसे दूर करती है, हमारी इम्यून पावर को भी इम्प्रूव करने में मदद करती है। मैंने बहुत से पेशेंट ऐसे देखे हैं जिनका हमेशा जो ब्लड रहता है वो 8 और 9% हीमोग्लोबिन रहता है, और कोई भी मेडिसिन ले लेते हैं, कोई भी फ्रूट्स खा लेते हैं, लेकिन उनको उनका हीमोग्लोबिन ज़्यादा बढ़ता ही नहीं है। तो अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम है, आपका हीमोग्लोबिन हमेशा डाउन ही रहता है, आपने बहुत सी दवाइयाँ भी ट्राई करी है, एक बार आप होम्योपैथी की फेरमसिप सिरप ट्राई करके देखिए, आयरन लेवल को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। खासकर जो वेजिटेरियन होते हैं उन्हें ये दवा लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो आयरन होता है वो वेजिटेरियन को केवल पालक से मिलता है, और पालक एक प्रॉपर सीज़न में आती है, हर सीज़न में पालक नहीं मिलती है, और हम केवल पालक लेकर ही अपने शरीर में आयरन की कमी को दूर नहीं कर सकते। जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उन्हें इतना जल्दी खून की कमी, आयरन की कमी, एनीमिक पेशेंट नहीं पाए जाते, क्योंकि वो नॉन वेज लेते हैं और नॉन वेज में बहुत अधिक मात्रा में आयरन होता है, फिश में बहुत अधिक मात्रा में आयरन होता है, तो उन्हें आयरन की कमी नहीं होती है, ब्लड की कमी नहीं होती। लेकिन वेजिटेरियन अगर आप हैं तो आपको ये दवा लेना ज़रूरी है। इस दवा को हम बच्चों को भी दे सकते हैं, 15 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं उन्हें इस दवा को दे सकते हैं उनको, क्योंकि इस दवा के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये हमारे भूख को बढ़ाने में मदद करते हैं, हमारी जो जैसे मान लीजिए आपको कमजोरी ज़्यादा है, आप थोड़ा सा भी काम करते हैं आपको कमजोरी महसूस होती है, आप चलते हैं फिरते हैं आपको बेवजह थकान महसूस होती है, बैठे बैठे भी आपकी सांस फूलती है, आपका किसी काम में मन नहीं लगता, आपको रात में नींद नहीं आती है, अगर नींद आती है तो टुकड़ों में आती है, मीन्स थोड़ा सा आप सोएंगे और फिर आपकी नींद खुल जाएगी, आपको हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, और आपके जो चीक इस एरिया में बहुत ब्लैक कलर के स्पॉट्स हो रहे हैं, तो आपके लिए फेरमसिप सिरप बहुत ज़्यादा असरदार है। यकीन मानिए, आप इस दवा को लेंगे तो आपके शरीर में खून की कमी दूर होगी, आयरन की कमी दूर होगी, और ख़ासकर जो महिलाएँ हैं, महिलाओं को मेंसेस के ज़्यादा होने के कारण बहुत जल्दी खून की कमी हो जाती है, बहुत सी महिलाएं खून की कमी के कारण उन्हें चक्कर सा भी आता है, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर महसूस करती हैं, तो महिलाओं के लिए ये सिरप तो रामबाण का काम करती है।
अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम है, आपका हीमोग्लोबिन हमेशा डाउन रहता है, तो आप फेरमसिप सिरप 2.5 ml आप एक बार सुबह खाना खाने के बाद, मीन्स ब्रेकफास्ट के बाद, एक बार शाम को, और अगर ज़्यादा ही आपके ब्लड की कमी है तो आप इसे 3 बार लीजिए, नहीं तो आप एक बार सिर्फ मॉर्निंग में सुबह ले लीजिए। आप इसके रिजल्ट खुद देख सकेंगे, आपके शरीर में खून की कमी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। तो आप इस सिरप को ज़रूर लीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल कितना है। ये वीडियो छोटा ज़रूर है लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए जिनका हीमोग्लोबिन लेवल हमेशा डाउन रहता है, आयरन की कमी हमेशा बनी रहती है। क्योंकि आयरन की कमी अगर आपको होगी, खासकर बच्चों की, तो वो उनके ग्रोथ पे बहुत बुरा असर डालेगी। महिलाओं का पीरियड्स टाइम पे नहीं आएगा, हेयर फॉल की प्रॉब्लम होगी, आइज़ में दिक्कत हो सकती है, चिक में ब्लैक कलर के स्पॉट्स हो सकते हैं, सांस फूलने की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको ये दवा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो आप इस दवा को ज़रूर लीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।